तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फेसबुक की आईडी कैसे बनाते हैं। और अगर आप भी फेसबुक की न्यू आईडी बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को सिर्फ 4 मिनट तक पूरा देख लीजिए, आप 100% सीख जाओगे कि फेसबुक की नई आईडी कैसे बनाते हैं। क्योंकि फेसबुक ऐप में अब नए अपडेट आ चुके हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको नया प्रोसेस बताने वाला हूँ फेसबुक की आईडी बनाने का। तो इस वीडियो को 4 मिनट तक पूरा जरूर देखना, तभी आप समझ पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फेसबुक की न्यू आईडी बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, फेसबुक ऐप ओपन करना है। जब पहली बार आप फेसबुक ऐप ओपन करोगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पे फेसबुक की नई आईडी बनाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे नीचे है क्रिएट न्यू अकाउंट का, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिएट न्यू अकाउंट पर आपको क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करोगे तो आपके पास इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पे लिखा है गेट स्टार्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। जब आप गेट स्टार्टेड पर क्लिक करोगे तो दोस्तों आपके पास इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पे लिखा है फर्स्ट नेम और यहाँ पे लिखा है लास्ट नेम। तो जिस भी नाम से आप फेसबुक आईडी बनाना चाहते हो वो नाम आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। जैसे कि अभी मैं डाल रहा हूँ आरुष और यहाँ पे कर देता हूँ पारे, ठीक है। आप जिस नाम से बना रहे हो फेसबुक आईडी वो नाम आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपको करना है यहाँ पे नेक्स्ट। जब आप यहाँ पे नेक्स्ट करोगे तो आपके पास यहाँ पे अपने डेट ऑफ बर्थ सेट करने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे हम डेट ऑफ बर्थ सेट कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेट करते हो तो यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से। अब आपको यहाँ पे सेट करना है और यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट। जब आप यहाँ पे नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस होगा। उसके बाद यहाँ पे मेल और फीमेल दो ऑप्शन आएंगे। तो आप मेल हो तो मेल पर क्लिक कर लीजिए और फीमेल हो तो फीमेल पर यहाँ पे बाजू में बॉक्स आएगा, इस पर इस तरीके से टिक मार्क कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं। जब आप नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पे दोस्तों आपको बोलेगा कि आप अपने मोबाइल नंबर से फेसबुक अकाउंट बना रहे हो या फिर ईमेल आईडी से। अगर आप मोबाइल नंबर से फेसबुक अकाउंट बना रहे हो तो मोबाइल नंबर से बना लीजिएगा, और अगर आप ईमेल आईडी से बनाना चाहते हो तो ईमेल आईडी से, ठीक है। अगर मोबाइल नंबर से बना रहे हो तो यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल के नेक्स्ट करना है। लेकिन अगर आप ईमेल आईडी से बना रहे हो तो ईमेल आईडी के लिए यहाँ पे साइन अप विद ईमेल, इस तरह का नीचे एक ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करना, ठीक है। फिलहाल मैं आपको ईमेल आईडी से नया फेसबुक आईडी बना के दिखा रहा हूं। तो इसके लिए दोस्तों हम यहां पे क्लिक करेंगे साइन अप विद ईमेल। अगर आप मोबाइल से बना रहे हो तो मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है। तो यहां पे नीचे क्लिक करेंगे, उसके बाद दोस्तों यहां पे आ जाएगा ईमेल आईडी डालने का ऑप्शन। तो चलिए हम यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देते हैं। सेम है दोस्तों, अगर आप मोबाइल नंबर से बना रहे हो तो मोबाइल नंबर डालना है, और ईमेल आईडी से बना रहे हो तो ईमेल आईडी डालना है, दोनों सेम है। तो चलिए हम यहाँ पे डाल देते हैं अपनी ईमेल आईडी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आप मोबाइल नंबर से डालना चाहते हो तो मोबाइल नंबर भी डाल दीजिए, ठीक है। तो फिलहाल तो हम कर रहे हैं ईमेल आईडी से, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। जब हम यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे हमको बोलेगा कि एक पासवर्ड सेट कर लीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ पे अपना पासवर्ड सेट कर लेते हैं फेसबुक का। पासवर्ड सेट हो जाने के बाद अब आपको यहाँ पे करना है नेक्स्ट। तो आप अच्छी तरीके से स्ट्रांग पासवर्ड सेट कर लीजिएगा, उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सेव करने का ऑप्शन आता है, सेव कर लीजिए या फिर आप नॉट नाउ भी कर सकते हो। तो चलिए हम यहाँ पे सेव करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आएगा आई एग्री का ऑप्शन, तो यहाँ पे आई एग्री पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद थोड़ा सा प्रोसेस होगा, तो आपको वेट करना है। प्रोसेस होने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरीके से आएगा, थोड़ा सा अभी आपको यहाँ पे करना है वेट, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है तो आपको कर लेना है वेट। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपके पास जो फेसबुक अकाउंट है वो आ जाएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है तो आपको वेट करना है। प्रोसेस होने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे प्रोसेस चल रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपको करना है अलाउ। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, ऐड प्रोफाइल फोटो, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे प्रोफाइल फोटो लगा देते हैं, यहाँ पे ओके कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे देख सकते हो ऐड पिक्चर का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। और अब आपको यहाँ पे गैलरी से अपना एक प्रोफाइल फ़ोटो लगा लेना है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे फ़ोटो लगा लेते हैं प्रोफाइल।
थोड़ा सा यहाँ पे लोड ले रहा है, तो यहाँ से हम अपना फ़ोटो सेलेक्ट कर लेते हैं, इमेजेस में जाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ से हम फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ से अब हम ये वाला फ़ोटो सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद इसको लगा देंगे प्रोफाइल पर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे नीचे डन का ऑप्शन मिलेगा, डन पर क्लिक कर दीजिएगा। डन पर जैसे ही क्लिक करोगे आपको यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस लेगा, तो थोड़ा सा वेट करना है, उसके बाद आपका फेसबुक प्रोफाइल फ़ोटो लग जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए अभी हमारा यहाँ पे सेव होना चालू है, तो थोड़ा सा आपको वेट करना है। उसके बाद देख सकते हो आपके पास इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखा है आपका फेसबुक अकाउंट ओपन हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे नोट नो करेंगे फिलहाल, तो अभी यहाँ पे स्किप कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे आ जाएंगे बैक, और यहाँ पे स्किप कर देंगे। और यहाँ पे करेंगे अभी नेक्स्ट। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको वेट करना है, और यहाँ पे अब हम करेंगे डन, ठीक है। तो डन कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए हमारा फेसबुक अकाउंट ओपन हो चुका है। अभी यहाँ पे प्रोफाइल का फ़ोटो लग जाएगा ऑटोमेटिकली, यहाँ पे देख सकते हैं जब हमने लगाया था। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पे टिक मार्क कर देंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे दोस्तों अभी हमारा ये प्रोफाइल फ़ोटो लग चुका है, और हमारा फेसबुक अकाउंट भी ओपन हो चुका है। अब अगर आप फोटोज़ या कुछ वीडियोज़ अपलोड करना चाहते हो, तो यहाँ पे कोने में एक फ़ोटो यहाँ पे मिलता है, यहाँ से जाके दोस्तों आप अपना फ़ोटो अपलोड कर सकते हो गैलरी से। जैसे कि अभी मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, ये वाला फ़ोटो अभी हम फेसबुक पर अपलोड कर रहे हैं, देख सकते हो पोस्ट कर रहे हैं। तो डन करेंगे नीचे, और यहाँ पर पोस्ट करेंगे, और अभी हम आएगा जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो फोटो अपलोड हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आप फेसबुक की नई आईडी बना सकते हो, और अपने फोटोज रील्स यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नई टेक्नोलॉजी के वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू सो मच।